अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपने एक मोहसिन भाई के सेटअप पे, जो कि पूरा का पूरा सेटअप फॉर सेल है। इन्होंने जाना है पाकिस्तान से बाहर और ये तकरीबन 6 माह के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो आ जाएँ, चलते हैं, देखते हैं इनके सेटअप में क्या इनके पास बर्ड हैं जो फॉर सेल है। मोहसिन भाई बताएँ, अब आपके पास क्या क्या लगा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ये एक पेयर है येलो रिंगने का। ये तकरीबन इसकी एज ऑलमोस्ट तकरीबन 4 साल के करीब है। मिठू 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 बेटे मिठू, अच्छा जी, ये बेसिकली ये ग्रीन ऑफलाइन है, सादा ग्रीन ऑफलाइन। इसके साथ एल्बिनो रेड आइज की जो है ना वो फीमेल है, पेयर क्रॉस हो रहा है इंशाल्लाह ताला। जो स्प्लिट ब्लू भी है, जो ग्रीन ऑफलाइन है वो स्प्लिट ब्लू भी है इंशाल्लाह ताला। इससे ये फर्स्ट टाइम ब्रीड पे जाएगा। और इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? इससे जो है जी ग्रीन ऑफलाइन चिक्स आएंगे, जो स्प्लिट ब्लू होंगे एल्बिनो रेड आइज भी आ सकते हैं। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी दूसरा केयर है, ये है ब्लूटूथ फिशरी। इसके पेरेंट्स जो है वो एल्बिनो रेड आई का, इसका जो था वो मेल है और फीमेल जो है ना वो इसकी पार ब्लू है। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक आई एल्बिनो ब्लैक आई जो रेड आई स्प्लिट है उसके साथ लगाया। वो उम्मीद है कि पार ब्लू ये बच्चे। ये जी ये रेड आई मेल है एल्बिनो, और ब्लैक आई जो है ना वो फीमेल है, और ये जो रेड आई की स्प्लिट है इससे भी एक्सपेक्टेड आई थी रेड आई जो है वो। और ये जो अभी मैंने आपको जो ब्लूटूथ फिशरी बताया है, ये इसके जो है ना बेसिकली ये इसके जो है ना पेरेंट्स हैं। तो ये पार ब्लू की जो है फीमेल है और एल्बिनो रेड आई इसका मेल है। और ये अच्छा, ये भी इसका बच्चा है, ये इनो स्प्लिट है, और जिसको मैंने जो है ना वो ब्लैक आई की फीमेल दी हुई जो रेड आई स्प्लिट है। इससे जो है हमें एक्सपेक्टेड जो है वो इसमें जो क्रीमिनो एक्सपेक्टेड है। हाँ जी, क्रीमिनो और डिसिनो उम्मीद है कि भी वो इस पर एक्सपेक्टेड है। और इधर ये जो है जी एल्बिनो रेड आई का मेल है और एल्बिनो रेड आई की फीमेल है। एक पेयर ये लगा, मतलब फीमेल अंदर बॉक्स में गई है, पेयर क्रॉस हो रहा है। ये सादे फिशरी रखे हुए हैं हमने। हाँ जी, ये सादे फिशर्स हैं। ये मैंने एक पेयर डाला था इसके अंदर तो लास्ट ईयर, तो उससे जो है ना ये सारे चिक्स, बल्कि जो चिक्स भी हैं वो भी जो है ना वो बॉक्स में जाना शुरू हो गए, वो सारे एडल्ट हो गए हैं। और इसमें मैंने ये देखा है कि ये बहुत बड़ी कॉलोनी में आपने छोड़े हुए हैं, इसका क्या मकसद है? बस इसमें फ्लाइट अच्छी मिलती है और जो है ना परिंदा जो है वो। अच्छा, जो आपके पास ये पार ब्लू और अल्बिनो रेड आई के जो चिक्स आते हैं वो भी इसी में ही छोड़ते हैं? नहीं, वो फिर मैं बर्किंग के लिए जो मैं उसको जो है ना वो एक कॉलोनी में नीचे वाला था स्पेस खाली है, उसमें कॉलोनी में छोड़ता हूँ। अच्छा, ये क्या बना हुआ है इतने सारे? ये जी सारे ये एग्जीबिशन के पट्टे मैंने कुछ परचेज किए थे, कुछ मेरे घर के हैं, कुछ जो है ना वो मैंने मार्केट से परचेज किए थे, दोस्तों से परचेज किए थे। तो ये मैंने नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह ताला इनको ब्रीड पे लगाना है। और ये बच्चे हैं छोटे? हाँ जी, ये आम कॉमन बकरी के बच्चे हैं। और ये क्या? बाकी ये पार ब्लू, कॉमन पार ब्लू का जो है वो फीमेल है और एल्बिनो रेड आइज की का मेल है। और इससे फर्स्ट टाइम ब्रीड पे जाएगा ये। इससे जो है वो हमें क्या एक्सपेक्टेड है? ये स्प्लिट इनो आएंगे जी, इससे पार ब्लू स्प्लिट इनो। और ये रेड आई का जो है वो मेल है और ब्लैक आई पसनाटा की जो है वो फीमेल लगी थी। और अगर मैं आपको दोनों रेड आई के दूँ वो अच्छे नहीं है? बिल्कुल अच्छे हैं, आप दे दें, बिल्कुल दें, मेरे पास जो चीज़ है मेरे पास। अच्छा, ये क्या? ये जी दोनों जो है वो रेड आई का केयर है, पसनाटा रेड आई। अच्छा, इसका मतलब मुझे देने की जरूरत नहीं है? हाँ, ये मेरे पास प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है इसका भी। तकरीबन जो है ना वो 5-6 अंडों का मेरे पास, जितने भी पेयर लगे हुए हैं तकरीबन सबका जो है ना वो 6 से 7 अंडों का जो है ना वो एवरेज है। अच्छा, ये कॉकटेल इनो? ये जी इनो कॉमन इनो कॉकटेल है। इसके जो है ना अभी मैंने चिक्स जो थे ना वो कुछ हैंड फीड को उठाए थे, अच्छा प्यार है, अब मैंने उसको फ्री किया है। और ये अच्छा यहाँ पर जो है ना ये मैंने अभी आपको ऊपर एक पार ब्लू का ये स्प्लिट इनो है, उसको मैंने ब्लैक आई की रेड आई की फीमेल दी हुई है,
इससे वही क्रीमिनो एक्सपेक्टेड है कि क्रीमिनो की वर्किंग के लिए जो है ये मैंने रखा है यहाँ पे। और ये एक पेयर है कॉकटेल का जो ग्रे का मेल है और कॉमन वाइट की फीमेल है, इसने लेंग करके बैठे हुए हैं। हाँ जी लेंग की ये और ये छः छः से सात हम लोग इसकी एवरेज है और सारे के सारे पर टायर है। अच्छा और ये नीचे जो है ये भी रेड आई का मेल है और ब्लैक आई की फीमेल लगी हुई है। ठीक। अच्छा अभी इधर आ। अच्छा ये कॉमन बजरी है जी, ये बिल्कुल कॉमन बजरी है। यहाँ पर ये एग्जीबिशन का जो है ना वो फीमेल है ब्लू में और ये स्पेंगल का रेड आई का स्प्लिट जो है ना वो मेल लगा हुआ है। और ये एग्जीबिशन में ये इसका बच्चा है, ये भी मैंने तकरीबन अंडर साइज जो है ना वो रेड आई एग्जीबिशन की फीमेल है और मेल जो है ना वो ये और वो अंडर साइज फैलो की फीमेल है और जो है ना वो मेल स्पेंगल का। ब्लैक आई और रेड आई का अगर कंट्रास्ट किया जाए तो मेरे ख्याल ये दोनों ये जो ब्लैक आई का जो पीस है ये रेड आई का प्लेट है। साइज बहुत अच्छा है, देखो ना फीमेल पीछे सुपरी बिल्कुल। ये रेड आई का प्लेट है, ये भी कॉमन बजरी है, ये मैंने पोस्टिंग के लिए रेड आई ये कॉमन पोस्टिंग के लिए रखा है। ये भी एग्जीबिशन का जो है ना ये क्रीमिनो का जो है ना वो मेल है और फीमेल जो है ना वो अंडर साइड और ये जो है कि ये डबल क्रस्टेड रेड आई डबल क्रस्टेड का जो है ना मेल है कॉमन और अंडर साइज की फीमेल है, ये मैंने वर्किंग के लिए रखा। जो फ्रेंड्स इस सेटअप के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना नेम और मोबाइल नंबर कमेंट्स में लिख दें ताकि जैसे ही मोहसिन भाई फ्री हों आपके साथ कांटेक्ट कर लें। और ये लाहौर में है, आप जब फ्री होंगे आपको हम सेटअप भी विज़िट करवा देंगे और ये पूरा का पूरा सेटअप हमने एक ही दफ़ा और एक ही बंदे को सेल करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके।